गुड मॉर्निंग। ओह जे, जब उठे तो मुझे उठा देना चाहिए था ना। अगर तुम्हें उठा देता तो अपनी सोती हुई सुंदर पत्नी का चेहरा कैसे देख पाता मैं? जिस तरह से तुम्हारी ड्रेस बेतरतीब पड़ी हुई थी उसका मजा कैसे ले पाता मैं? तुम ऐसे लग रही थी। अरे पति को मार रही है, कॉफी पियो लो। थैंक यू। ओहो, मुझे रोज जल्दी उठना चाहिए। अपने जय को कॉफी देनी चाहिए, उसका ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए और फिर उसके कपड़े आयरन करके भी देने चाहिए। ये सब मैं खुद कर लूंगा। मैं हेल्प करती हूँ। अरे अभी अभी हमारी शादी हुई है, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी। सही कह रहा हूँ। कम ऑन डार्लिंग। थैंक यू। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। सर, ही इज कमिंग। क्यों, कोई बहुत बड़ी जीत हासिल करके लौटे हो इसीलिए हम ताली बजा रहे हैं, यही सोच रहे हो ना? लेकिन ऐसी बात नहीं है, एक बार जो गलती तुमने की थी उसे फिर से दोहराया है, इसी बात पर तालियां बजा रहे हैं। गलती? What mistake, sir? वो तुमने दोबारा शादी जो कर ली। कम कम कम, तुम नहीं सुधरोगे। सर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आप गलत कह रहे हैं। हाँ भाई, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। तो फिर सही काम क्या है मेरा? टेररिस्ट का पता लगाना, उन लोगों का पीछा करना, फिर उन सबको ढूंढ निकालना और अपने रिवॉल्वर से इनको गोली मार देना और शमशान घाट पहुंचा देना, यही काम है ना? और पब्लिक की नजर में तुम क्या कर रहे हो? इस डेक्कन एक्सपोर्ट में एक बहुत ही बोरिंग सी जॉब कर रहे हो। जय, मैरिज का बैगेज जो है ना, उसका बोझ तुम नहीं उठा पाओगे। वो तो ठीक है सर, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं। हाँ, हनीमून के लिए छुट्टी दूंगा कि नहीं मत पूछना। नहीं सर, लेकिन एक बात बताइए, आपकी शादी को कितने साल हो गए सर? 31 साल हो गए। लेकिन अचानक तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप अभी तक अपनी पत्नी के साथ वो... देखो मार खाओगे। नहीं सर, वो बात नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा था कि आप अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं। हाँ भाई, करता हूँ। 31 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। स्टिल I love my wife. drink, Jay? No, thanks. 31 साल बाद भी आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। सर, ये बात कभी आपने अपनी पत्नी को बताई या नहीं बताई? What?
आपका काम है टेररिस्ट को पकड़ना, उन्हें ढूंढ कर निकालना और उन्हें गोली मारना। ये बात आपने अपनी पत्नी को बताई? कैसे बता सकता हूँ जय, शादी के वक्त मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी, रॉ की स्पेशल यूनिट में। इस काम के बारे में उसे नहीं बता सकता था, बताना भी नहीं चाहिए। देखो जय, मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या जानती है? यही कि मैं एक्सपोर्ट कंपनी में एक सीनियर मैनेजर हूँ, एक बड़ा अधिकारी, और मेरी बीवी अपने जान पहचान वालों को यही बताती है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? अपने इस काम में न जाने कितने लोग मरते हैं। 31 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन अब तक मेरी बीवी को यह सब नहीं मालूम। आपने अपनी बीवी को सच्चाई नहीं बताई, इस बात का आपको अफसोस है? इसी बात का आपको दर्द हो रहा है ना? हाँ जय, ये कानून है कि हम अपनी जिंदगी के आखिर तक ये सब किसी को नहीं बता सकते, इसे तोड़ भी नहीं सकते। लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं था ना, क्योंकि तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि उसे चाहिए थे पैसे, लाइफस्टाइल, करियर, लुक्स, जो तुम उसे नहीं दे सकते थे। बात ये सर, उसके लिए पैसा, लाइफस्टाइल, करियर, यही सब मायने रखता था। ए रमिया, प्लीज जयमोहन, मुझे मत रोको प्लीज। अपनी लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे बहुत कुछ चाहिए। आप वो दे सकते हैं? मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं? जब से शादी हुई, यू आर जस्ट द सेम, आप में कोई बदलाव नहीं आया है। आपकी एक्सपोर्ट कंपनी ही आपकी फर्स्ट वाइफ है, मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है, तो फिर हमारा साथ रहने का क्या फायदा? जयमोहन, आज मैं आपकी जिंदगी से अलग हो रही हूँ, और इसी वजह से आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। बाय एंड टेक केयर। हम दोनों 6 महीने तक एक साथ रहे, और उसके बाद वो मुझे छोड़कर कनाडा में सेटल हो गई। लेकिन रम्या की तरह नहीं है अंजलि। अंजलि इज अ स्वीट गर्ल एंड शी इज मैडली इन लव विद यू। लेकिन तुम्हारी जो अच्छी किस्मत है ना, और तुम्हारी बुरी किस्मत, दोनों तुम्हें एक साथ ही मिल जाएंगी तुम्हारी सेकंड वाइफ की वजह से। सर प्लीज लेट मी कम टू द मैटर। यू मीन राणा? यस। कम इंडिया में जितने टेरर अटैक्स हुए उनके प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। उन्हीं प्राइम सस्पेक्ट्स में से एक इस समय बेंगलुरु सिटी में मौजूद है। इट्स नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस। ऐसे समय में जबकि कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, इस्लामिक पीस कॉन्फ्रेंस, इंडिया इंग्लैंड क्रिकेट मैच, राणा ने कुछ तो प्लान किया होगा। तो फिर सर राणा ने कुछ? नो नथिंग, राणा ने अभी तक तो कुछ नहीं बताया है। दरवाजा खोलो। यस सर।